नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में शुक्रवार को एक महिला आरपीएफ जवान एवं एक शिक्षिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चाईबासा में तैनात आरपीएफ महिला जवान 45 वर्षीय गोपा चरण तीयू स्कूटी से ड्यूटी के लिए चक्करधरपुर के चाईबासा जा रही थी। इसी दौरान पोटाका स्थित पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए चक्करधरपुर के रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमशेदपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही गोपा चरण तीयू की मौत हो गई। इसके बाद महिला जवान के शव को चक्करधरपुर के रेलवे अस्पताल ले जाया गया। इधर घटना की सूचना पाकर महिला के पति शिवचरण तीयू, पूर्व विधायक और कई गणमान्य लोग रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां पर नम आंखों के बीच वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर महिला की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।